अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखो। नमस्कार, हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सभी का इस टीचर स्वर में। आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे एज ज्वाइनिंग फुट के बारे में। इसका इंस्टॉलेशन हम मशीन में कैसे करेंगे और ये कपड़े पे किस तरीके से काम करता है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं एज ज्वाइंटर के बारे में कि वो फुट कैसा दिखता है, किस तरीके से हमारे कपड़े पे काम करता है और मशीन में हम इसका इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। तो ये है हमारे पास एज ज्वाइंटर फुट। ये सेंटर में जो आप देख रहे हैं इस तरीके से दिया हुआ है, ये बैक साइड से देख लीजिए। ये हमारे दो कपड़ों को हम इसमें रख के और ज्वाइंट कर सकते हैं एक साथ। ये दोनों कपड़ों के सेंटर का ये एज गाइड करता है, ये वाला जो दिया हुआ है इस तरीके से सेंटर में। और ये जो इस तरीके से देख रहे हैं फ्लैट, जब हम इसमें कपड़ा स्टिच करेंगे तो ये कपड़े को आगे बढ़ने में मदद करता है। ये बैक साइड से कुछ इस तरीके से दिखता है और ये फ्रंट साइड से इस तरीके से दिखता है। ये स्नैप ऑन फुट है, इसके लिए हमें मशीन में स्क्रू को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेशर फुट लिफ्टर की सहायता से हम इसे मशीन में अटैच कर लेंगे। चलिए देखते हैं इसको हम मशीन में कैसे इंस्टॉल करेंगे और एक कपड़े पे किस तरीके से काम करेगा। चलिए इसको हम मशीन में इंस्टॉल करते हैं। अपने नीडिल को हैंड व्हील की सहायता से ऊपर करेंगे। प्रेशर फुट लिफ्टर को भी हम ऊपर की तरफ रखेंगे और अपने फुट को हम यहाँ लेके आएंगे और प्रेशर फुट लिफ्टर को हम नीचे दबाएंगे। ये देखिए हमारा फुट जो है अच्छे से अब मशीन में अटैच हो चुका है। बॉबिन के धागे को ऊपर लेके आएंगे और इस तरीके से दोनों धागों को आगे की तरफ कर देंगे। मैं यहाँ पर आपको रफ कपड़े पे बता रही हूँ। आप इसका इस्तेमाल जो है एज ज्वाइंटर फुट का, आप कुशन कवर में जैसे छोटे छोटे कपड़े के पीस बच जाते हैं तो हम कुशन कवर में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चौकोर पीस काट लीजिए और जितना भी आपका साइज है कुशन कवर का उतना आप पीस कटिंग कर लीजिए। उसके बाद हाफ इंच का मार्जिन लेना है आपको कपड़े में और इस तरीके से आयरन की सहायता से हम फोल्ड कर लेंगे कपड़े के एज को। ये मैंने यहाँ पर दो कलर का कपड़ा लिया है ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ कि ये किस तरीके से काम करता है कपड़े पे। इस तरीके से काम करेगा। ये देखिए इस तरीके से हम दोनों कपड़ों के सीधे भाग को ऊपर रखेंगे। ये देख सकते हैं जो हमने फोल्ड रखा है वो उल्टा साइड है कपड़े का और सीधा भाग ऊपर की तरफ हमने रखा है और इस तरीके से बिल्कुल मिला के दोनों कपड़ों को हम रखेंगे। और ये जो दिया हुआ है ना सेंटर एज गाइड करने के लिए दोनों कपड़ों को, ये दोनों कपड़ों के इस तरीके से सेंटर में होना चाहिए। ये देख सकते हैं ये हिस्सा हमारे दोनों कपड़ों के बीच में आना चाहिए। कपड़े को सेट कर लीजिए और प्रेशर फुट लिफ्टर को इस तरीके से दबाएंगे। तो ये देख सकते हैं हमारे दोनों कपड़ों के बीच में ये एज गाइड आया हुआ है। अब हम अपने मशीन में कुछ इसके लिए सेटिंग करेंगे।
उसके लिए हमें जिगजैग पे करना है पैटर्न सेलेक्टर को। हमने जिगजैग पे कर लिया। थ्रेड टेंशन डायल को नॉर्मली स्टिच पे हमने 4 पे रखा है। अब हम धीरे धीरे मशीन को चलाना शुरू करेंगे। मशीन का स्पीड आपको लिमिट में रखना है। अब हम इस तरीके से दोनों कपड़ों को एक साथ इस तरीके से हाथ को सपोर्ट देते हुए हम धीरे धीरे स्टिचिंग शुरू करते हैं। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करना आप कपड़े को। ये देखिए इस तरीके से रहना चाहिए हमारा कपड़ा। ये देखा आपने एज ज्वाइंटर फुट से हमने जिगजैग को सेलेक्ट किया पैटर्न सेलेक्टर डायल को। तो इस तरीके से हमारे दोनों कपड़ों को एज के ज्वाइंट किया है। हमने दूसरा पैटर्न सेलेक्ट किया है तो कुछ इस तरीके से हमारे एज को इसने ज्वाइंट किया है। और तीसरा मैंने पैटर्न सेलेक्ट किया है तो इस तरीके से आया है। इस तरीके से आपके मशीन में जो भी पैटर्न्स हैं आप उसे सेलेक्ट करके आप अपने कपड़े के एज को ज्वाइंट करके एक डिजाइनर लुक दे सकते हैं। आप इससे कुछ भी बना सकते हैं। और उल्टे साइड से देखते हैं, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आया है। जैसा डिजाइन हमारा फ्रंट में आया है सेम वैसे ही डिजाइन बैक साइड में भी आया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर कुशन कवर बना रहे हैं तो इस एज को जो है आप सिंपल स्टिच करके फोल्ड कर लीजिए ताकि आपके कपड़े का धागा ना निकले। इसके लिए आपको थोड़ा मार्जिन ज़्यादा लेना पड़ेगा दोनों साइड में कपड़े के। आप इसे कुछ भी बना सकते हैं। इस तरीके से आप ज्वाइंट करके बेड कवर भी बना सकते हैं। मैंने आपको आइडिया दिया है, आप इसे जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं एज ज्वाइंटर फुट का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं तो इस वीडियो पे कमेंट करें यानी अपनी राय दें। हमारे चैनल के बाकी वीडियो को देखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। हमारे चैनल के सभी नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।